तो रेन और का प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकाल रहे हैं। यहाँ पे मैन रुका हुआ है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ऐसा तो बात किए थे लास्ट क्लास में रिलेटेड का कंसेप्ट, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रेन जो भी है वो दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना आएगा, वी आर। वापस एक बार थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, वी आर एम मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ रेन जो आदमी को महसूस हो, जो फीलिंग होगा वो रिलेटिव होता है, ऐसा हम लोग बात किए थे। और अगर कल का वीडियो बहुत ध्यान से देखे थे तो मेरे क्लाइंट याद आ रहा होगा, बोले भी थे कि रिलेटिव एक्चुअल के बराबर तभी होता है जब दूसरा वाला रुका हो, रेस्ट पे हो। अगर ध्यान से देखे होंगे तो बताए थे, तो देखो दूसरा वाला अगर रुक जाए तो वेलोसिटी ऑफ रेन जो है वो जो वो वही उतना ही हो जाएगा जितना कि मैन महसूस कर रहा है, ठीक है। ये तो पहला केस है। दूसरे केस में काम करते हैं, इसी मैन को चलाते हैं, उनको आज थोड़ा सा दिक्कत होगा, उतना वादा नहीं था। उसके बाद फिर जब नया टॉपिक शुरू होगा, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट होगा, तो उनको फिर समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैन इस तरफ जा रहा है और एक तरफ जो डायरेक्शन में गिरता है उसी डायरेक्शन में गिर रहा, ठीक है। अभी वापस से निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। इस बार जो वेलोसिटी ऑफ रेन जैसा कि मैन को फील होगा वो वेलोसिटी ऑफ रेन के बराबर है क्या, देखो नहीं। यहां पे अगर रुका था तो जो उसको फील आ रहा था वो एक्चुअल वेलोसिटी था, यहां पे जब ये चल रहा है तो इसको जो फील आएगा वो एक्चुअल से थोड़ा कम है। अच्छा, रेन तो हमेशा ही सीधा गिरता है नीचे, बट नोटिस किए होगे जब आप तेजी में चलते हो तो आप छाता ऐसे नहीं ऐसे लगाते, नोटिस किए, मतलब जब आप तेजी में चलते हो तो रेन आपके लिए इस डायरेक्शन में आ रहा है, 90 के एंगल से आ रहा होता है। कहने का मतलब ये कि क्या आपको चलता देख के रेन अपना डायरेक्शन बदल लिया, नहीं, आपको फील वैसा आ रहा है। और आपको फील जो आ रहा है वो प्रैक्टिकली होता है, मतलब ये जो फिजिक्स का पार्ट है कि आपका सब फील होगा वो एक्चुअली में होता है, ये उसका एग्जाम्पल। तो इसके जरा देखे एंगल कितना भी उसको फील होगा तो बताए, जब भी आपको एंगल निकालना हो आप क्या करें, y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट डाउन, जरा थीटा देखते हैं, tan थीटा y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट tan थीटा में लगाना है, क्यों ही नहीं, जरा देखते हैं। चलो रीडिंग कैसा होगा जरा देखते हैं, vr माइनस vn, vn को इधर को vr इधर इधर भी हो। अच्छा ये समझ में आ रहा है, कैसे बता दें किधर फील होगा, बिल्कुल vr जो था नीचे वो नीचे ही है, vn किसमें, माइनस में, मतलब जो एक्चुअली में इधर जा रहा है उसको अपोजिट साइड में सोचो इधर आ जाएगा। उसके बाद आपको समझ आ रहा है एक नीचे है और एक इधर है तो रिजल्टेंट तो इधर ही आना है, ठीक है। अब तेरा एंगल देखते कौन सा एंगल निकाल, वर्टिकल से या हॉरिजॉन्टल से, देखो हॉरिजॉन्टल से एंगल निकालेंगे तो ये होगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और अगर वर्टिकल से एंगल निकालेंगे तो ये होगा, है ना, ये है वर्टिकल लाइन, ठीक है। अच्छा, या फिर आप इसको ऐसे किसी को अगर पीछे एक्सटेंड कर दें ऐसे, तो ये है वर्टिकल एंगल और ये वाला है हॉरिजॉन्टल की सतह। याद रखना यहाँ पे हमेशा ही एंगल विद वर्टिकल दिखता, इसके साथ एंगल नॉर्मली आप जब भी एंगल निकालते हो तो आप ये वाला एंगल लेते हो, यही करते हो ना, बट इस वाले में वर्टिकल वाला ज्यादा चलता, तो क्वेश्चन में ध्यान से देख लेना वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ये ध्यान देना। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है इस टॉपिक में, यही फंसा देता है कि आपको एंगल पूछा कौन सा, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, नॉर्मली हम लोग ये सोचते हो सीधा बी आर बाई बी एम गलत हो गए, वो पूछेगा ये, और अगर ये थीटा है तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस है ना, तो परपेंडिकुलर बाय बेस tan थीटा जीरो से क्या हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो होगा, तो थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स बी एम बाई बी आर, ठीक है, यहां तक देखो। अगला है रिवर बोट प्रॉब्लम, ठीक है,
क्या अब सीधा मिनिमम टाइम पे गेम होता है, मैक्सिमम टाइम पे नहीं। मिनिमम टाइम मिनिमम डिस्टेंस। देखो ये रिवर है, नदी है, जिसका कुछ फ्लो होगा हमेशा ही ये फ्लो मैक्सिमम फ्लो करता है। मान लो रिवर इधर फ्लो कर रहा है, इसके फ्लो का वेलोसिटी है वीआर। वेलोसिटी ऑफ रिवर किधर है? इधर। और वेलोसिटी कितना है? वीआर। तो यात्री है जो उसमें तैर रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो समझ में आएगा कि इस वेलोसिटी का मैन जो इस रिवर को क्रॉस करना चाह रहा है तैर कर, इसका एक कंपोनेंट पड़ेगा बात नहीं, एक कॉम्प्लेक्स पड़ेगा इस तरफ, तो कितना होगा? एक थीटा है तो कितना होगा? साइन थीटा। और इस तरफ जो कॉम्प्लेक्स आएगा वो कितना होगा? ठीक है। तो ड्रॉ करो, बेटा नहीं बड़ा होगा, ड्रॉ करो जल्दी से, जल्दी ड्रॉ करो, तो फिर से देखो इधर x एक्सिस की तरफ इसका नेट वेलोसिटी देखो। अगर हम x एक्सिस का बात करें तो नेट वेलोसिटी कितना है x एक्सिस की तरफ? vf cos थीटा vx इक्वल टू vr प्लस vm cos थीटा। समझ आ रहा है? तो अगर t टाइम के बाद बात करें, आफ्टर t टाइम कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा x की तरफ समझना होगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड टू टाइम, स्पीड ये है और टाइम टी। तो एक्स की तरफ जो डिस्टेंस होगा एस, जो कि एक्स की तरफ होगा वी आर प्लस वी एम कॉस थीटा इंटू टी। एक्स की तरफ जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा, अब जरा वाई की तरफ जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा उसका बात करते हैं। वाई स्पीड, वाई की तरफ स्पीड क्या है? अच्छा तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा टी टाइम के बाद? तो एस वाई डायरेक्शन इज बी एम साइन थीटा क्यू टी। अभी देखो इतना दर्द का मतलब क्या था? अगर कोई आदमी को क्रॉस करना है, अगर वो सीधा शुरू करता तो पानी खेलते खेलते सोचता कि मिल जाता, ठीक है, वो तो बात का बात है। बट अभी आदमी इधर जा रहा है, देखो जो नॉर्मली आपको दिखेगा वो रिलेटिव है। अगर हम आदमी का एक्चुअल वेलोसिटी का बात करें तो एक्चुअल ये नहीं है, ये रिलेटिव, ये जो दिख रहा है वो रिलेटिव, उसे कंपोनेंट नहीं था, ठीक है ना। तो जो आदमी में से मान लो हम पानी में तैर रहे हैं और तुम अगर पानी के बाहर खड़े होकर तुम हमको देख रहे हो, तो तुमको मेरा जो वेलोसिटी दिखाई देगा वो कौन सा होगा? रिलेटिव, वो मेरा एक्चुअल वेलोसिटी नहीं होगा। एक्चुअली में हम किसी और वेलोसिटी से चल रहे होंगे, पानी हमको ठेल रहा होगा और दोनों का रिलेटिव जो होगा वो आपको दिख रहा होगा, ठीक। लेकिन अगर मान लो हम पानी में तैर रहे हैं और तुमको भी बैठा दिया नदी के अंदर, मतलब हम भी तैर रहे हैं, तब तुमको मेरा जो वेलोसिटी दिखेगा वो क्या होगा? मेरा एक्चुअल वेलोसिटी होगा। कहने का मतलब ये कि मान लो ये वाला जो स्क्वायर आपको नीचे दिखा है वो पानी अंदर से हमको धक्का दे रहा है पानी का फोर्स, और हम इधर से उस तरफ जाना चाह रहे हैं, तो हम एक कदम आगे बढ़ाएं क्योंकि हम तैर रहे हैं पानी के अंदर, जमीन पे तो मैं नहीं पैर। तो पानी जैसे जैसे आगे जाएगा, हम भले ही सीधा जा रहे हैं बट पानी हमको इधर ही लेके जाएगा, समझ में आ रहा है? और हम उधर जा रहे हैं उस तरह, तो मेरा सारा एनर्जी किधर लगा? इस तरफ। लेकिन चूंकि पानी इधर से आ रहा है और उसका वेलोसिटी इस तरफ है, तो जितना टाइम गुजरेगा उतना ही हम और इधर चलते जाएंगे, आगे बढ़ने के साथ साथ आगे बढ़ेंगे अपनी ताकत से, इधर जाएंगे पानी की ताकत से, समझ आ रहा है? तो अगर तुम बाहर से देखोगे तुमको पानी से चलता हुआ दिखाई देगा, तुमको जो दिखेगा वो मेरा रिलेटिव होगा। लेकिन जब तुम अंदर आ जाओगे पानी में, तो जितना हम इधर जाएंगे उतना ही तुम ही तो जाओगे, तो तुमको दिखेगा क्या? सिर्फ मेरा इधर वाला डिस्टेंस है। जैसे मान लो एक यहां है और एक यहां, ये इधर भी जा रहा है, ये एक्चुअली खुद से इधर जा रहा है, पानी इसको इधर ठहर रहा है,
और ये सिर्फ इधर जा रहा है, रुका हुआ है, सिर्फ इधर जा रहा है, रुका हुआ मतलब पानी का रुका मारेगा, पानी यहां लेके चल जाएगा, अपना नाटक ये नहीं लगा रहा। देखो स्टार्टिंग यहाँ था, ये आगे बढ़ना शुरू हुआ, इधर जाना चाह रहा है लेकिन जाएगा इधर क्योंकि पानी खेल भी रहा है, और ये सिर्फ इधर जाएगा। तो तुमको क्या लगता है इसको क्या लगेगा, इसका और इसका जो ये वाला डिस्टेंस था वो हमेशा कॉन्स्टेंट है, क्योंकि दोनों ही ये जितना इधर चला उतना ही ये भी इधर चला, पानी दोनों उतना ही खेल रहा है। तो इसको इसका इधर वाला डिस्टेंस दिखेगा, इसको इधर वाला डिस्टेंस दिखेगा नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा क्योंकि जितना ये चला उतना ही ये भी चला, बिल्कुल सेम स्विमर वाला केस, इसको इधर चलेगा, लेकिन जो ये वाला डिस्प्लेसमेंट है वो इसको भी दिखेगा। तो ये एक्चुअली में उधर ही चल रहा था, तो अब जो इसको दिख रहा है दोनों पानी में, तो वो इसका रियल वेलोसिटी। तो ये होता है रियल और एफरेंट, आपको हमेशा ही समझना है, क्वेश्चन में यही आपको फंसाएगा, क्वेश्चन में यहाँ कैसे ही फंसा है कि डाटा दे दिया, अब वो रियल दिया है कि एक्चुअल दिया यही समझ नहीं आया। तो आपको दो बात दिमाग में रखना, अगर आप नदी के बाहर से देख रहे हैं क्वेश्चन को, तो आपको जो दिख रहा है, जो आपको फील हो रहा है वो कैसा है, रिलेटिव, आपको वही दिखता है जो आपको फील होता है। जैसे सूरज का कलर, सूरज तो एक ही कलर का होगा बट सुबह रेड दिखता है, तो ऐसा में रेड होता नहीं है, आपको रेड फील आता है, तो आप कहते हैं सूरज अभी लाल दिख रहा है ना, तो आपको जो फील आता है वही बोलते हैं। तो जब आप बाहर रहोगे तो आपको जो दिखेगा वो उसका रिलेटिव होगा, और जब आप पानी में आ जाओगे तब आपको जो दिखेगा वो उसका एक्चुअल। एक मिनट जल्दी करो, 1 मिनट में 30 सेकंड। देखो दो केस, पहला केस देखते हैं उसमें जहां से फिर क्वेश्चन बनेगा, फॉर शॉर्टेस्ट पाथ, फॉर शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ का बात करें तो कितना कम से कम चलना पड़े है ना, तो कम से कम चलना पड़े मतलब है जाना था इधर, इधर वाला डिस्प्लेसमेंट तो मतलब कहा रहा था, हमको तो ये नहीं चाहिए, हमको तो बस रिवर को क्रॉस करना है, रिवर हमारे इधर शॉर्टेस्ट पाथ को क्रॉसिंग द रिवर, ठीक है ना, हमें रिवर को क्रॉस करना है, तो रिवर को क्रॉस करके शॉर्टेस्ट पाथ, तो अगर एक्स की तरफ हमारा जीरो हो जाए तो वो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होगा, हमको क्रॉस करना था इधर, लेकिन रिवर्ट फेल करके हमको यहाँ पहुंचा, जाना था यहाँ, तो क्या होगा कि जाएंगे इधर एक्चुअली में, तो रिवर खेलते खेलते हमको एक्चुअली में यहाँ पहुंचा, ठीक है, तो दिमाग लगा, तो वही हमको फाइंड करना है एंगल, क्या फाइंड करना है एंगल जिसमें कि हम शुरू करें तो मैक्सिमम यहाँ पहुंचे। देखो तो हमें इसको जीरो करना था, जीरो कर देते हैं, वी आर प्लस वी एम कॉस थीटा इनटू टी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है वी आर प्लस वी एम कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, टी को लेकर जीरो हो गया। अच्छा यहाँ से साफ साफ दिख रहा है वी एम कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस वी आर कॉस थीटा लिख गया, cos theta is equal to minus vr by vm, अभी theta निकल गया, cos inverse minus vr by vm, ये minus है क्या बता रहा है, हम जो शुरू करेंगे उसी सब होगा obtuse में, है ना, minus है simply बता रहा है that we will have to start with an ठीक है ना, कोई दिक्कत। अच्छा इसका अगला पार्ट यहाँ पे, ये तो था हमारा शॉर्टेस्ट पाथ के लिए, कम से कम पाथ ट्रेवल करके हमको इस पार से इस पार जाना हो, तो हमको शुरुआत इस एंगल पे करना होगा,
जैसे हम इस एंगल पे स्टार्ट करेंगे पानी हमको फैलते फैलते एकदम सीधा पहुंच जाएगा, तो एक्स की तरफ का पाथ हम कवर नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? जरा सा भी ट्रेवल कीजिएगा इसके अलावा, परपेंडिकुलर के अलावा जरा सा यहाँ भी कीजिएगा तो ये डिस्टेंस इससे तो बड़ा ही आएगा, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल से। तो शॉर्टेस्ट पाथ मतलब आप सीधा क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। चलो अगर देखते हैं शॉर्टेस्ट टाइम के लिए कर ले, फिर क्रॉसिंग करीब था और शॉर्टेस्ट टाइम। देखो आपको भले ही लग रहा हो इसी में शॉर्टेस्ट टाइम नहीं लगेगा कि यहां से आप क्रॉस कर रहे हैं, बट आपको एक और बात अच्छे से बताएं तो यहां से यहां क्रॉस करने के लिए अगर आपको बाहर से ऐसा लगेगा कि यहां से यहां क्रॉस कर रहे हैं तो आपको एक्चुअली में ऐसे ट्रेवल करना होगा, है ना। और ये ट्रेवल करने में शॉर्टेस्ट टाइम लगेगा क्या? नहीं, शॉर्टेस्ट टाइम तब लगेगा जब आप एक्चुअली में ऐसे ट्रेवल करना चाहें फॉलोइंग पानी आपको ठेल के कहीं पहुंचा दे, समझ रहे हो। तो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए ये वाला इक्वेशन लगेगा, y की तरफ का डिस्प्लेसमेंट जो भी हो उसको शॉर्ट रखना है। लंबा जाएगा क्या? शॉर्टेस्ट टाइम में इसको क्या करना होगा दोस्तों? पूरा वेलोसिटी वाई करो, पूरा वेलोसिटी वाई। अच्छा फॉर डिस्टेंस करते हैं, पर बहुत फिर देखो डिस्टेंस करने में बहुत ज्यादा जल्दा होता है। चलो जरा इस पे बात करते हैं, तुम ही लोग बताओ इसमें शॉर्टेस्ट टाइम निकालने का तरीका क्या है? नहीं डायरेक्ट जाना का फिक्स हो चुका है, काम करते हैं। T लिखते हैं, T इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन y बाय Vm sin थीटा। टाइम को मैं यही आया, बट ये शॉर्टेस्ट टाइम कब होगा? इसमें शॉर्टेस्ट टाइम है क्या? तो शॉर्टेस्ट टाइम चाहिए, क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी ऑफ x इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, या वेलोसिटी ऑफ x का नामों निशान है तो 0 करके फायदा क्या? अगर ये मैक्सिमम हो जाए क्योंकि Vm फिक्स है, आधी फिक्स है, चल रहा होगा फिक्स है, एक्स वाई, एक्स वाई है क्या एक्चुअली ये वेट ऑफ लीवर, इसी को क्रॉस कर रहा है बाइक की तरफ डिस्प्लेसमेंट, तो मैक्सिमम क्या हो? वेट ऑफ लीवर, ये भी फिक्स है, लीवर का चौड़ाई नहीं बदल जाएगा, तो ये दोनों चीज अपना फिक्स है, तो हम चेंज क्या कर सकते हैं? एंगल साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू समझे, ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना, जब भी एंगल दिखे ना तो जो वेरिएबल होता है उसी का मैक्सिमम और मिनिमम लेकर उसको मैक्सिमम या मिनिमम करते हैं। अगर ये मैक्सिमम करेंगे तो मिनिमम आएगा, अगर ये मिनिमम करेगा तो ये मैक्सिमम है, इसका मिनिमम वैल्यू जीरो, जीरो माइनस वन। साइन के ग्राफ कैसा था? ये प्लस वन और ये माइनस वन, समझे। जीरो करने का कभी पारा नहीं होगा, समझ लो जीरो हो जाएगा, इनफिनिट हो गया पूरा टाइम, तब तक कभी पारा नहीं होगा। तो मैक्सिमम टाइम जब माइनस वन करेंगे तो जब माइनस करेंगे तो ऊपर माइनस आएगा, माइनस का टाइम, ये पॉसिबल है? फिर से पॉसिबल है, मतलब इतने डाटा से हम सिर्फ क्या निकाल सकते हैं? मिनिमम टाइम। अरे मैक्सिमम टाइम हो तो हम चलते रहे कल चार दिन, मान लो किनारे पहुंच गए फिर उतार लेना, तो काउंट होगा क्या होता था टाइम? मैक्सिमम टाइम नहीं, तो मैक्सिमम टाइम निकाल ही नहीं सकते एक्चुअली, ठीक है। मिनिमम टाइम पॉसिबल है, मैक्सिमम तो इनफाइनाइट हो सकता है, समझे ना, मैक्सिमम क्या हो सकता है? इनफाइनाइट, समझ में आया? कैसे इनफाइनाइट होगा? मान लो तुमको वहां क्रॉस करना है, यहां पहुंच गए लेकिन आगे जा रहे हैं इसमें चुता नहीं है, अभी तक क्रॉसिंग करने का टाइम तो कम नहीं होगा, अभी तो क्रॉस किया ही नहीं, समझिए कि कितनी लंबा ड्राइवर था आते लेके जा रहा है,
समझे अंदर? चलिए ठीक मूव कर रहा है, एक साथ वाई में मूव कर रहा है, मतलब एक्स और
वाई के साइमल्टेनियस मूवमेंट अगर हम क्लब अप कर दें तो जो बनेगा वो कैसा मोशन होगा? प्रेजेंट टाइम। अब इसे याद रखो, आपको प्रेजेंट टाइम मोशन का कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी तरह का, आपका सबसे पहला काम ये होगा कि आप उसको तो ब्रेक करें। आप उसको दो पार्ट में बांट देंगे, एक्स की तरफ और वाई की तरफ, ठीक है? क्योंकि अगर मान लो हम यहां से पूछ रहे हैं क्वेश्चन ही सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन, यहां से किसी बॉडी को आप मान लो 60 डिग्री पे फेंके हो, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, और हम आपसे पूछ रहे हैं जरा बताना यहां ये मैक्सिमम हाइट मान, मैक्सिमम हाइट यहां पे इसका वेलोसिटी कितना हो? पक्का कहां पे मैक्सिमम हाइट पे मान लो इसको देखे थे हम 10 मीटर पर सेकंड, कितना 60 है ना, 60 मतलब 960 बाई टू ना, इसको 10 बाई रूट 3 मीटर पर सेकंड सर क्या 10 बाई रूट 3 मीटर पर सेकंड से ऑब्लिकली फेंक दिए, ऑब्लिकली मतलब 90 और सॉरी हाँ यहां से 90 के अलावा कोई और डायरेक्शन, यहां से 90 के अलावा कोई और डायरेक्शन ऑब्लिकली फेंक दिए, तो जो एंगल क्या 60 और यहां पहुंचने में इसको जो टाइम लगा मान लो पूछे मैक्सिमम हाइट इसका वेलोसिटी कितना हो, नहीं पूछे ना, अब जरा इसको सोचते हैं कि मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी कैसे आया। देखो इसको पहले हम समझते हैं ऊपर जाने वाले मोशन से, क्योंकि ये ऊपर भी गया फिर वापस नीचे आया, मतलब ये ऐसा ही कैसे कि आप यहां से किसी को फेंके ऊपर गया और फिर नीचे आया, ये अलग बात है कि ऊपर जाते हो तो आगे भी बढ़ रहा था फिर मैक्सिमम हाइट पहुंच के रुका और फिर आगे बढ़ते हुए नीचे आया, समझ में आ रहा है? आया दिक्कत है? ठीक है हाँ तो ठीक है। देखो अगर ये अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा मतलब और ऊपर जाएगा क्या? नहीं। और एक चीज बाहर ही बता रहे कि कभी भी अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो मोमेंटली रेस्ट में आना जरूरी है, बिना रेस्ट में डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकता, तो मतलब जरूर यहाँ पे इसका इस तरफ का वेलोसिटी कितना हो गया होगा जीरो। अच्छा यहाँ पे ये क्या एकदम रुक गया है कि आगे बढ़ रहा है एक्स की तरफ, एक्स की तरफ आगे बढ़ रहा है, वाई की तरफ रुका, वाई की तरफ वेलोसिटी जीरो है क्योंकि रुका हुआ है, लेकिन एक्स की तरफ अभी भी आगे बढ़ रहा है। अच्छा अगर हम किसी वेलोसिटी का तो नॉर्मल यहाँ फेंके थे हम n बाय रूट 3 से, जरा बताओ इस पूरे मोशन में एक्सेलरेशन किस तरह का ग्रेविटी एक तरह उसके अलावा और कौन कौन एक्सेलरेशन लगता है क्या ये वाला इधर कौन एक्सेलरेशन तो देखते वक्त छोड़ देने के बाद कहाँ ताकत लगा छोड़ने के पहले ताकत लगा जो ताकत लगा छूट गया तो फिर तुम्हारा ताकत से लगेगा तुम्हें आप कितना भी हाथ चला लो ठीक है तो छोड़ने के पहले जब ताकत लगा ना छोड़ने के बाद उसे नीचे ग्रैब नहीं लगा। और एक और बात आपको बताओ अगर एक्सेलरेशन इस तरह है तो क्या एक्स की वेलोसिटी चेंज होगा? अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वाई है तो जो भी चेंज होगा वेलोसिटी वो किस तरह होगा? वाई में एक आदमी इधर जा रहा था आप उसको इधर खींच रहे, जरा बताना आपके फोर्स का कंपोनेंट जो इधर लगा वो कितना आएगा, एंगल कितना है बीच का 90, एफ कॉस 90 कितना होगा जीरो, समझ ना सबको कॉस 90 है जीरो, तो अगर कोई चीज परपेंडिकुलर हो तो इसका कंपोनेंट इस तरफ नहीं होता, मतलब ये जो एक्सेलरेशन है इस तरफ इसका वी एक्स पे कोई असर होगा, वी एक्स यहां पे जितना था उतना ही यहां रहेगा उतना ही यहां रहेगा, समझ रहा क्योंकि उस तरफ कोई एक्सेलरेशन लग नहीं रहा, लग किस तरफ था वीवाई की तरफ, वीवाई की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है, इसीलिए यहां पे जो वीवाई था वो यहां जाते जाते जीरो हो गया और जीरो होने के बाद अब उल्टा आना शुरू हो गया, बताए थे अरिटार्डेशन एक समय के बाद एक्सेलरेशन में कन्वर्ट होता है, बताए थे यहां पे एक्सेलरेशन नीचे है वीवाई ऊपर अपोजिट डायरेक्शन रिटार्ड हो रहा है, वो रिटार्ड यहाँ पे उसको वेलोसिटी को जीरो किया और फिर वही रिटार्डेशन यहाँ के बाद से बदल गया एक्सेलरेशन में, ठीक है यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं।
नहीं। तो अभी तो सिंपल हो गया ना, जब हम बार बार बोल रहे हैं कि वी हैव चेंज किया ही नहीं, मतलब जो यहाँ था वही यहाँ है, वही यहाँ है, तो यहाँ पर भी पता निकल जाएगा वी दिया हुआ जिला दिया हुआ मतलब कितना क्या मिलेगा, जो मिलेगा वही बी एक्स होगा। बी का कॉम्पोनेंट एक्स की तरफ कॉस 60 कितना होता है कितना है।
बाद अच्छा ए लग रहा है जी और डी जो भी हो पैराबोला पैराबोला ठीक है। तो
मतलब टाइम मतलब पैराबोला कॉस का तो लिखो।